सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से माइंड टेक। आज मैं तुम्हारे फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ। सो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली बिजनेस प्रपोजल कोरियन ड्रामा के बारे में, जो कि आज के डेट में रिलीज की गई है। इस ड्रामे की डबिंग कैसी है और ये ड्रामा कैसा है, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अगर बात की जाए इस ड्रामे के बेसिक्स के बारे में, तो ड्रामे को 8.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। और इस ड्रामे के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने मिलते हैं, जिसकी रनिंग टाइम 1 घंटे की रखी गई है। और अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में, तो ड्रामा बिजनेस कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है। अगर बात की जाए इस ड्रामे में स्टोरी की, तो जो ड्रामे की कहानी है एक ऑफिस रोमांस पे बेस्ड है। ड्रामा आपको एक बॉस और एम्प्लॉय के रोमांटिक जर्नी को दिखाती है। सो ड्रामे के अंदर स्टोरी देखने को मिलता है एक लड़की जिसका नाम है सिन हरी। हरी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके माता पिता एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, और हरी एक कंपनी में जॉब करती है और इसके साथ साथ अपने माता पिता का रेस्टोरेंट में हेल्प भी करती है। सिन हरी का एक बचपन का फ्रेंड होता है और साथ ही साथ उसका क्रश भी होता है। जब हरी अपने क्रश से उसके बर्थडे के दिन उससे मिलने के लिए जाता है, तो उसे लगता है वो उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन वहां पे उसे रिजेक्शन मिलती है। अब उस रिजेक्शन के बाद हरी अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है। अब हरी के फ्रेंड अपने बदले में हरी को एक ब्लाइंड डेट पे जाने को कहती है, ताकि वो किसी तरह से उसे भगा सके। जब वो ब्लाइंड डेट पे जाती है, तो वहां पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होता है जिसका नाम होता है कांग। अब जो कांग है वो एक कंपनी का सीईओ होने के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम और साथ साथ बिजनेस माइंडेड लौंडा है। अब जब हारी को पता चलता है कि जिसके साथ वो डेट पे आई है वो उसी के कंपनी का सीईओ है, तो उस बेचारी की होश उड़ जाती है। सो अब आगे क्या सारी चीजें होने वाली है, जब कांग ताइमू को पता चलेगा कि हारी कोई और नहीं उसी के कंपनी की एक एम्प्लॉय है, तो आगे अब क्या सारी चीजें होंगी, यही सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। सो अब अगर बात की जाए इस ड्रामे के बारे में, तो ड्रामे की जो स्टोरी है बहुत ही जबरदस्त है, और साथ ही साथ जो ड्रामे की डबिंग है, जो हिंदी डबिंग है, भाई साहब उसने दिल खुश कर दिया। ड्रामे की स्टोरी तो जबरदस्त है ही, इसमें आपको कॉमेडी देखने को मिलता है, रोमांस देखने को मिलता है, साथ ही साथ एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप बॉन्डिंग देखने को मिल जाती है, और अच्छा खासा फैमिली मैटर देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ आपको बिजनेस एंगल भी देखने को मिलती है। और इन सभी चीजों को ड्रामे के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करके प्रेजेंट की गई है। सो अगर आपको एक कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है, जिसमें बॉस और एम्प्लॉय की लव स्टोरी दिखाई जाए, तो ये ड्रामा आपको बिल्कुल पसंद आएगी। सो फाइनली कह सकते हो कि लॉन्ग टाइम बाद आपको एक अच्छा कोरियन ड्रामा देखने को मिला है हिंदी डब में, और आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो अभी तक आपने इस ड्रामे को देखना स्टार्ट नहीं किया, तो जाकर के नेटफ्लिक्स से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इस ड्रामे को देख रहे हो या फिर देख लिया है, तो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बता। सो मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।